आते हैं देशभर पर फोर और वक्त है खबरों का। रीवा और बूंदवासियों का हवा में उड़ान भरने का सपना जल्द ही साकार होने जा रहा है। रीवा से हवाई यात्रा शुरू करने के लिए एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य अब अपने अंतिम पड़ाव में आ चुका है। माना जा रहा है कि मार्च माह के पहले सप्ताह तक रीवा सहित पूरे विंध्य को रीवा एयरपोर्ट की सौगात मिल जाएगी। दरअसल रविवार को मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा एयरपोर्ट में जारी निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च माह से विंध्यवासियों को हवाई सेवा की सुविधा देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए रीवा एयरपोर्ट के निर्माण का शेष कार्य 10 मार्च तक हर हाल में पूरा कराए। बता दें कि रीवा को हवाई सेवा सुविधा मिल जाने से आवागमन सुगम होने के साथ चिकित्सा, पर्यटन तथा औद्योगिक विकास में तेजी आएगी। रीवा और उसके आसपास उद्योगों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर निवेश होगा, इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। रीवा में एयरपोर्ट शुरू हो जाने से विंध्य के विकास में तेजी आएगी और रीवा एयरपोर्ट का निर्माण हम सबके लिए बड़े गौरव की बात होगी। उप मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन रनवे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर निर्माण तथा टर्मिनल भवन का निरीक्षण किया। टर्मिनल भवन का निर्माण लगभग पूरा हो गया है और इसकी साजो सज्जा का काम जारी है। उप मुख्यमंत्री ने मुख्य मार्ग से एयरपोर्ट तक की सड़क का निर्माण कार्य भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर नगर निगम के अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर सौरभ सोनवड़े तथा निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि एवं जन प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।